हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पे। फ्रेंड्स देखिए मैंने कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई हुई है। इसका गला है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसके साथ डोरी लगाई है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, बटन लगाए हुए हैं अंदर से। मैंने टिच बटन लगाए हुए हैं। ये इसकी बाजू है। नीचे इसका घेरा बनाया हुआ है। इसमें एक लेयर ये है और ये पूरा घेरा बनाया हुआ है। का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक है। इसमें मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। इस फ्रॉक को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं अपर पार्ट, सेकेंड पार्ट में मैं नीचे का घेरा और ये लेयर बनाऊंगी, और साथ में मैं बाजू बनाऊंगी। थर्ड पार्ट में गला बनाऊंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैंने वर्धमान की वूल यूज़ की है। इसके साथ मैंने 3.25 mm का हुक इस्तेमाल किया है। तो बनाना शुरू करते हैं। स्लिप नॉट लगाएंगे। मैंने 104 चेन लगा ली हैं। 2 चेन एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर हम इन 2 चेन को छोड़ के थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम हर चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में डबल क्रोशिया करते हैं हम यहाँ तक आएंगे। मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब 3 चेन लगाएंगे। पहले हम 16 डबल क्रोशिया करेंगे। मैंने 16 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, क्योंकि अब इसी में हम फ्रंट साइड, बाजू, बैक साइड निकालेंगे। तो ये पहले हमने फ्रंट साइड निकाला है, 16 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया चेन, फिर उसी में डाल देंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। इस टाइप से ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया है। अब हम बाजू निकालेंगे। बाजू निकालने के लिए हम 21 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमने ये डबल क्रोशिया नहीं लेना। अब हमने ये डबल क्रोशिया नहीं लेना, इससे नेक्स्ट वाला, ये वाला लेंगे हम। 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमने 21 डबल क्रोशिया कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 बार डबल क्रोशिया चेन, इसी में डाल देंगे 2 बार डबल क्रोशिया। फिर ये हमारा फ्रंट साइड, ये बाजू। अब बैक साइड निकालेंगे, उसके लिए हम 22 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ ये वाला डबल क्रोशिया लेना, अब नेक्स्ट लेंगे यहाँ ये वाला। 22 डबल क्रोशे बैक के लिए निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2 बार डबल क्रोशिया चेन, उसी में डाल देंगे 2 बार डबल क्रोशिया
ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये बाजू और ये बैक पार्ट। अब फिर यहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ पे फिर बाजू निकालेंगे 21 डबल क्रोशिया, दो तीन। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाजू के लिए हमने 21 डबल क्रोशिया निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया, चेन में डाल देंगे दो बार डबल क्रोशिया। अब हम 16 डबल क्रोशिया करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, तो यहाँ पे डालेंगे 15, और ये साथ में हमने 3 चेन लगाई थी वहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे 16। तो ये हमारे 16 डबल क्रोशिया हो गए। 16 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट पार्ट के लिए किए, 21 डबल क्रोशिया हमने बाजू के लिए किए। ये हमारा बैक पार्ट है 22 डबल क्रोशिया, ये फिर हमारी बाजू है 21 डबल क्रोशिया, और ये हमारा फ्रंट पार्ट 16 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे। अब यहाँ पे डालेंगे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करते हम यहाँ तक आते हैं। हमने फ्रंट पार्ट में डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे। ये हो गए हमारे 17 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया, चेन, फिर उसी में डाल देंगे दो बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ा दिया। अब हम ये दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, क्योंकि दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमने डाला है दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बाजू का पार्ट है, इसमें हमने दो डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे, ये रहा डबल क्रोशिया बढ़ गया। अब हम आगे वैसे ही डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे, एक यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ा दिया। इसी तरह से हम डबल क्रोशिया करते हुए आगे जाएंगे, हम यहाँ तक आते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे ये डबल क्रोशिया, एक हमारा यहाँ पे बढ़ गया। एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बढ़ाया था, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब फ्रंट पार्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ा, और बाजू पे हमने दो डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बीच में वैसे ही डबल क्रोशिया चलेगा। पहले हमारे 21 डबल क्रोशिया थे, अब 23 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ये दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, क्योंकि ये दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया, तो सेंटर में डालेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया, चेन, फिर उसी में डाल देंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। अब ये हमारा बैक पार्ट आ गया। तो बैक पार्ट में भी हमने जैसे बाजू में बढ़ाया है, उतने ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी दो डबल क्रोशिया, एक हम यहाँ पे डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया ये बढ़ गया हमारा, बाकी हम वैसे ही डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इसी तरह से करते हम यहाँ तक आएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब एक डबल क्रोशिया और बढ़ाना, तो हम यहाँ पे डालेंगे ये एक डबल क्रोशिया हमारा बढ़ गया। फिर हम कॉर्नर, ये जो हमारा कॉर्नर है, दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया, सेंटर में डालेंगे हम दो बार डबल क्रोशिया, चेन, उसी में डाल देंगे दो बार डबल क्रोशिया। फिर ये हमारा फिर बाजू का आ गया। जैसे हमने यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, इसी तरह से यहाँ पे बढ़ाएंगे
एक यहाँ पे बढ़ेगा हमारा, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, वैसे ही यहाँ पे डालेंगे, ये एक डबल क्रोशिया बढ़ गया हमारा। अब वैसे ही चलते जाएंगे हम डबल क्रोशिया कर, अब वैसे ही डबल क्रोशिया करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये यहाँ तक आएंगे हम, अब हम लास्ट में पहुँच गए। अब हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ाया था, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर वैसे ही यहाँ सेंटर में डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया। चेन फिर उसी में डाल देंगे दो बार डबल क्रोशिया। फिर ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा तो यहाँ पे डालेंगे, ये डबल क्रोशिया हमारा बढ़ गया। फिर वैसे ही चलेंगे, फिर वैसे ही डबल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी हो गया फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट पार्ट था। यहाँ पे हमारे 16 डबल क्रोशिया थे, एक डबल क्रोशिया बढ़ाया 17 हो गए। इसी तरह से ये हमारा बाजू का पार्ट था, ये 21 डबल क्रोशिया थे, दो डबल क्रोशिया हमने एक यहाँ से बढ़ाया तो ये 23 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारा बैक साइड था, यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया थे, एक हमने यहाँ से और एक यहाँ से बढ़ाया तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारा बाजू का पार्ट है, यहाँ पे हमने 21 डबल क्रोशिया किए हैं, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ से बढ़ाया, एक डबल क्रोशिया यहाँ से बढ़ाया तो ये हमारे 23 डबल क्रोशिया हो गए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया थे, एक डबल क्रोशिया यहाँ से बढ़ाया तो ये हमारे हो गए 17 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये करते जाएंगे, इसी तरह से ये हमारा सारा राउंड करते जाएंगे, और जितनी लेंथ हमारे अपर पार्ट की चाहिए उतनी करके हम आते हैं। फ्रेंड्स, अपर साइड की जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी मैंने बना ली है। अगर हम ये जो मैंने रो किए हैं, ये मैंने 17 रो किए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी मैंने 17 रो किए हैं, यानी ये दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया, ये हमारे जो हुए हैं 17 हुए हैं, इधर भी 17 हुए हैं और इधर भी 17 हुए हैं, यानी दोनों साइड पर हमारी 17 रो हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट हम करेंगे, अब हमने बाजू और इनको, इस फ्रंट पार्ट को और बाजू को ज्वाइंट करना है, तो हम इस साइड से ज्वाइंट नहीं करेंगे, हम इस साइड से ज्वाइंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सारा राउंड करते हुए, यहाँ से हम ये सारा राउंड करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से सारा रो कंप्लीट कर लिया है, इसको फोल्ड करते हैं। ये बाजू है, ये फ्रंट साइड है, ये बाजू है, ये फ्रंट साइड है, तो इसमें मैंने, ये देखिए, ये मैंने 5 डबल क्रोशिए मैंने नहीं बुने, तो यहाँ से हम स्टिच करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिए मैंने क्यों छोड़े हैं, मैं इसको इस टाइप से स्टिच करूँगी, ये इस पार्ट के ऊपर, इस पार्ट को इस तरह से रख के मैं स्टिच करूँगी। तो कैसे करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 और 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, तो इसका जो 5वां डबल क्रोशिया है इसके पहले डबल क्रोशिया से जुड़ेगा, 4th सेकंड से, 3rd थर्ड से, 2nd 4th से और 1st 5th से जुड़ेगा। तो इस तरह से जुड़ेंगे हम, ये देखिए लूप लिया, ये फर्स्ट है और ये 5th, लूप लिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया, नेक्स्ट का ये 4th, ये 3rd डबल क्रोशिया, इसका 3rd डबल क्रोशिया, ये 4th डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया, ये 5th डबल क्रोशिया,
ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये देखिए इस टाइप से जुड़ गया हमारा। इसी तरह से फिर हम आगे डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे, इस तरह से करते हम यहाँ तक आएंगे। हम बाजू की साइड पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे हमने किया दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया, तो हमने ये नहीं डालना। अब हमने क्या करना है, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, अब चेन नहीं डालेंगे। जैसे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमने सेंटर में नहीं डालना, ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। अब चेन थी, चेन नहीं हमने डालनी, हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस टाइप से। इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया करते हुए आगे जाएंगे। हम ये सारा डबल क्रोशिया करके हम यहाँ तक आते हैं। अब हम बाजू, ये सारी बाजू करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हम ये दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया ये नहीं बनाएंगे। अब इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया कर देंगे, इस टाइप से, इस तरह से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हम आगे जाएंगे। इस तरह से हम ये सारा डबल क्रोशिया करते हुए, जिस तरह से हमने यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया, इसी तरह से हम इस पार्ट में भी कर लेंगे और हम यहाँ तक आते हैं करके। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हमने बाजू को स्टिच करना है। तो पहले इस बाजू को स्टिच करेंगे, तो इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फ्रेंड, हम डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इस बाजू को ज्वाइंट करेंगे, दो बार डबल क्रोशिया चेन, दो बार डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने दो बार डबल क्रोशिया, फिर ये दो बार डबल क्रोशिया, यानी चार बार डबल क्रोशिया किया था। तो हम पहले ये दो बार डबल क्रोशिया हम बुन लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से और इसी तरह से हम ये यहाँ से ये दो डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया इसके सेंटर में यहाँ से लेंगे। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया कर दिया, फिर ये हमारी बाजू ज्वाइंट होगी। ये दो डबल क्रोशिया इसके सेंटर में हमने ज्वाइंट किया था, फिर इसी तरह से आगे वाले ये दो डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इसी तरह से आगे डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारा करते हुए हम इस तरफ आएंगे। अब हम ये दूसरी बाजू को ज्वाइंट करेंगे। अब हम इस बाजू को भी जोड़ लेंगे, यहाँ से लेंगे लूप लिया, यहाँ से इसी तरह से ये दो डबल क्रोशिया चेन, दो डबल क्रोशिया चेन की तरह हमें यहाँ चेन नहीं लगाई थी, तो यहाँ सेंटर में डाल देंगे। ये यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर हमने दो डबल क्रोशिया ये किए थे, तो दो डबल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर देंगे। ये भी हमारा जुड़ गया, ये देखिए अपर पार्ट बनकर तैयार हो गया। हमने बाजू को भी स्टिच कर लिया है। तो
अब हम फ्रॉक का घेरा बनाएंगे और घेरे के ऊपर की एक लेयर भी बनाएंगे। तो ये घेरा मैंने पार्ट टू में बताया है, तो चलते हैं अब पार्ट टू की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रॉक के पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय बाय।